circuit for 3 volts. This is the system. Only for air cool chiller. That is for air cool chiller. Air cool chiller. हमारा दो सर्किट है, क्या दो सर्किट है, एक बिल्डिंग से हमारा गर्म पानी आ रहा है, दैट इज फैन पर यूनिट से आ रहा, उसको हमने टेम्परेचर रखा 19 डिग्री में, और वो 19 डिग्री टेम्परेचर को हमको कूलिंग करने के, अगर हम चिलर में लेके जाएगा तो हमको ज़्यादा टाइम लगेगा उसको कूल करने के लिए, तो ज़्यादा टाइम मतलब इलेक्ट्रिकल पावर ज़्यादा लगेगा, एक्सपेंसिव ज़्यादा होगा, तो उसको कूल करने के लिए हम कहाँ लेके जा रहा है, कूलिंग टावर में. तो 19 डिग्री में जो टेम्परेचर हमारा निकल रहा है उसको अगर हमको कूल करने का है, टेम्परेचर अगर 12 डिग्री 11 डिग्री लेकर आने का है उस जगह में, दैट इज कॉल्ड चिल वाटर प्लांट, वहाँ पर हम लोग कूलिंग टावर लेके जाएगा, और मैं कूलिंग टावर कूलिंग वाटर टू हैपन विल कम डाउन द ऑल द टेम्परेचर, इंस्टेड ऑफ 19 डिग्री विल कम 11 डिग्री 10 डिग्री 12 डिग्री देन इट विल गो टू अगेन वाटर कूल चिलर एवेपोरेटर. सो देयर इज टू सर्किट, वन सर्किट इज द कंडेंसर कॉइल साइड, वन इज द बिल्डिंग सर्किट एंड पंप सर्किट. सो दिस टू ऑल आर सेम कैटेगरी. वाटर कूल चिलर में हमारा दो सर्किट रहेगा, वाटर कूल चिलर इसमें टू सर्किट, वन बिल्डिंग साइड. तो बिल्डिंग साइड मीन्स बिल्डिंग में हमने डिसाइड किया, हमने पावर सोर्स को सोर्स ये करके हमने बिल्डिंग में कूलिंग कर कूल दे रहा ताकि बिल्डिंग ठंडा होने के लिए पानी ठंडा करके वापस जाएगा हमारा चिलर में. उस चिलर में दो सर्किट इसलिए बोलता है, एक बिल्डिंग सर्किट का है दूसरा कूलिंग का होता है, दैट इज. तो अभी हमको देखने का है कि ये जो दो चिलर है ये कहाँ कहाँ किस किस लेवल में कौन सा सिस्टम हम यूज करेगा. तो एयर कूल चिलर हम यूज करेगा स्मॉल मीडियम राइज बिल्डिंग, और हाई राइज बिल्डिंग में हम चिलर यूज नहीं कर सकते, उसमें हम लोग कौन सा चिलर यूज करेगा, वाटर कूल कूलिंग सिस्टम. दिस डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम एंटर बिल्डिंग के लिए है, तो हाई राइज टावर है, हाई राइज टावर. उस डिस्ट्रिक्ट कूलिंग प्लांट में आपका वही चिलर आएगा जो चिलर प्रोड्यूस कर रहा है. आप मान लीजिए रिवर पंप हाउस में हमारा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कूलिंग प्लांट लगा है, हमारा ऑल ओवर और जमशेदपुर हम सप्लाई करेगा एक डिस्ट्रिक्ट कूलिंग प्लांट से. कैसे, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग प्लांट में चिलर बैठाएगा और चिलर 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 वाटर प्रोड्यूस करेगा, और वहाँ से पंप करके हम अंडरग्राउंड पाइपिंग में हर बिल्डिंग में हम जैसे टाटा कंपनी पानी का फिल्टरेशन करके हर बिल्डिंग में मीटर लगा दिया और उसके हिसाब से हम पानी का बिल कर दिया, दैट इज द सेम थिंग पॉसिबल हियर विल बी एप्लीकेबल. कुछ डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम एंटर द प्लांट विल बी पोर्टल द चिल वाटर सिस्टम. After that, they will deliver all the unit by the pump house and they will give the each and every individual building as a B2 meter. That is called meter is called B2 meter, BTU meter. BTU meter. Unit. Correct. So, British number individual meter is the meter. How much water is consumed? Because some small building, हमारे पास में time, हमारे पास में money नहीं है कि हम उसको चिलर लगाने के लिए. जहाँ पर चिलर बना रहा चिल वाटर प्लांट बना रहा और वो इंस्टेड ऑफ द फिक्सिंग ऑफ द चिलर इन द प्लान ऑफ द टावर ऑफ योर बिल्डिंग बेटर टू परचेज द चिल वाटर सिस्टम एंड इंडिविजुअल बिल्डिंग हैव डिफरेंट डिफरेंट. सो हाउ मच वाटर चिल वाटर कंज्यूम पर मंथ यू हैव टू पे द मनी टू द डिस्ट्रिक्ट कूलिंग प्लांट बिल, करेक्ट. सो डिस्ट्रिक्ट कूलिंग प्लांट में दो सिस्टम है हमारा, एक वाटर कूल चिलर एक सेंट्रीफ्यूज.